एक्टिविटी हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, कंट्रीब्यूशन होगा और ऊपर वाले से यही उम्मीद करता हूं कि इनका जो टेन्योर है एक पत्थर का मील साबित हो। आने वाले जो वक्त है, आने वाले DDG जो काउंसिल के मेंबरान हैं या जो भी उनसे गुजारिश होगी, इससे पहले जो मेंबर यहां आए थे या मेरे से मेंबर, मैं तो एक और सेरेमनी या हर उठाने का गलती करूँ तो हम पहले मैं गुजारिश करूंगा, ये क्योंकि अथॉरिटिकली है कोई पैसे समीना हुसैन जो नेसेसरी रिपोर्ट जिला पैस की आदि काउंसिल शेख जावेद अहमद शाहीन हैविंग बीन इलेक्टेड एज DDC मेंबर ऑफ DDC कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 अनंतनाग इन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल सॉल्मनली अफर्म दैट आई विल बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस to the Constitution of India as by law established and that I will uphold the sovereignty of India. To the Constitution of India as by law established and that I will uphold the sovereignty of India. Thank you. This is District Development Council Constituency 4 Brang ki nishast par kaam karne ke liye behsati umedwar muntakib ki gayi hu. Khuda ke naam par halaf leti hu, ikrar-e-salah karti hu कि मैं आईन हिंद पर जो कि कानून की वजूद में आया है रखूंगी और इसके सही वफादारी बरतूंगी और ये कि मैं हिंद की सरदाई और सालमियत को बरकरार रखूंगी डेवलपमेंट काउंसलर कॉन्स्टिट्यूएंसी 5 रश्मि गौरा की निशस्त पर काम करने के लिए वैसे उम्मीदवार मुंतखब किया गया हूँ। खुदा के नाम पर हलफ लेता हूँ, इकरार सालेह करता हूँ कि मैं आईनी हैंड पर जो कि कानून की रूह से मौजूद वजूद में आया है पुख्ता यकीन रखूँगा और क्या ही वफादारी बरतूँगा और ये कि मैं हैंड की सरदारी और सालियत को बरकरार बासित उम्मीदवार कामयाब हूँ और इकरार करूँ कि आईन हिंद और कानून की रोक के बावजूद मौजूद आयो पुख्ता यकीन रखूँ और उसकी कई वफादारी रखूँगा और या कि हैंड की सरदारी और सालियत नजरना कबूल करूँ। डेवलपमेंट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूएंसी खोरीपोरा की निशस्त पर काम करने के लिए बहसियत उम्मीदवार मुंतखब की गई हूँ। खुदा के नाम पर हल्ला लेती हूँ, इकरार साझा करती हूँ कि मैं आई हूँ पर जो कि कानून की सरदारी और Thanks.
सर बोलेंगे आप वही रिपोर्ट। मैं खालदा बीबी जो जिला तरक्की काउंसिल जिला अनंतनाग के लिए मुंतखब हुई हूँ। मैं खुदा के नाम पे हलफ लेती हूँ, इकरार सालिया करती हूँ कि मैं आईन हिंद के तहीन सच्चे दिल से पूरी फरमानदारी और ईमानदारी से पेश आऊंगी और हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखूंगी। इकरार सालियत करती हूँ कि मैं सच्चे दिल और वफादारी और पूरी काबिलियत और इंसाफ से अपने ओहदे के प्राइज किसी खौफ तरफदारी या अदावत के बगैर अंजाम दूंगी। जिन नौ पैगाम की नशस्त पर बहसत उम्मीदवार मुंतखब हुए हुआ खुदा का नाम पर हलफ ले हुआ और इकरार इसवाला करूँगा कि वो आईन हिंद पर जो कि कानून का रोन वजूद में आई है पुख्ता यकीन रखूँगा और इसके तय वफादारी बरकरार रखूँगा और हिंद की सरदारी और सालमियत न बरकरार रखने वास्ते काम करूँगा। I, Mohammed Salim Pareh, having been elected as DDC member of DDC constituency 10 Sagam in District Development Council of District Anantnag, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will uphold the sovereignty of India. Thank you. के लिए मंतखब हुआ हूँ। मैं खुदा के नाम पर हलफ लेता हूँ क्या मैं आईन हिंद के तहत सच्चे दिल से पूरी फरमानदारी और ईमानदारी से पेश आऊंगा और हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी और सालियत को बरकरार रखूंगा। इकरार साली करता हूँ कि मैं सबके दिल से वफादारी और पूरी काबिलियत और इंसाफ से अपने ओहदे के फराइज किसी को तरफदारी या अदावत के के बगैर अंजाम दूंगा। बहुत धन्यवाद। मेंबर ऑफ डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी 12 शांगस इन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड सोलेमनली अफर्म दैट आई विल बी अ ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड एंड दैट आई विल अपहोल्ड द सॉवरेंटी ऑफ इंडिया। आउज़ुबिल्लाहि मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पीर शहबाज जैसे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूएंसी 13 वेलीनाग की नशिस्त पर काम करने के लिए बहसियत उम्मीदवार मुंतखब किया गया हूँ। खुदा के नाम पर हलफ लेता हूँ, इकरार सालिया करता हूँ कि मैं आईन हिंद पर जो कानून की रोह से मौजूद वजूद में आया है यकीन रखूँगा और इसकी तय वफादारी बरतूंगा और ये कि मैं हिंद की सरदारी और सालमियत को बरकरार रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
जो निशस्त रुकन जिला तरक्याती काउंसिल डीडीसी निशस्त विश्व जिला अनंतना के लिए मनकद हुआ हूँ। मैं खुदा के नाम पर हलफ लेता हूँ, इकरार सारे करता हूँ कि मैं आईन हिंद के तहत सच्चे दिल से पूरी फरमादारी और ईमानदारी से पेश आऊंगा और हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी और सालिमियत को बरकरार रखूंगा। इकरार साले करता हूँ मैं सच के दिल और वफादारी और पूरी काबिलियत और हिसाब से पूरे हिसाब से अपने ओहदे के फराइज किसी खौफ तरफदारी या अदाव के बैग अंजाम दूंगा। चर यमुना चर जल चरंगा जय गाथा जगन मंगल गायत जय 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 बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको भूले हैं एसएसपी साहब की तरफ से चाय की प्याली रखी गई है। आई रिक्वेस्ट ऑन पहले यहाँ पे आई होप यू ऑल मेंबर्स विल ज्वाइन इन। कैसी खुशी फील कर रहे हैं आप और आगे क्या रहेगा आपका लाया? सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र और अपने आवाम का फिर एक बार मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अगर यहाँ आज हिंदुस्तानी यहाँ तक हमारे आवाम ने वोट एंड सपोर्ट किया और यहाँ पहुँचे तो आगे के लिए जो हमने अपना मंसूब रखा है मैनिफेस्टो रखा है इंशाल्लाह दिन रात एक करके आवाम के लिए काम करेंगे। आवाम की शाहबाज साहब आगे आपका किसी पार्टी के साथ? नहीं ऐसा नहीं है। देखो मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि जो मेरा आवाम फैसला लेगा शहबाज वाला के लोग फैसला लेंगे वही फैसला पीर शहबाज का होगा। जो उनका फैसला होगा उसी को लेकर पीर शहबाज उनका नुमाइंदा आगे लेके चलेंगे। थैंक यू सर। जिन्होंने मुझे चुना और इस स्टेज तक पहुँचाया तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ और आगे भी इंशाल्लाह रहमान उनका उन्हीं की खिदमत करता रहूँगा। जिला अनंतनाग के हेडक्वार्टर से तो क्या लगता है आपको हलफबरदारी को लेकर कितनी खुशी है आपने? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ और तमाम उन नाज़रीन का और तमाम उन सपोर्टर्स का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया हमारे हक में वोट डाले। कोशिश ये रहेगी कि हम अपने ब्लॉक में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएँ लोगों के मसले मसाइल देखें और उनकी खिदमत बहसीत खादिम बन करके। एक अहम इशू है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की अक्सर सीटें यहाँ पर जो कामयाब अक्सर सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर बाजी मारी है, क्या लगता है आपको चेयरमैन आपका ही होगा? इंशाल्लाह चेयरमैन नेशनल कॉन्फ्रेंस से होगा, ये लीडरशिप डिसाइड करेगी। तो सागम इलाके में आपको डेवलपमेंटल इश्यूज को लेकर कितने चैलेंजेस हैं? बहुत ज्यादा है, इंशाल्लाह हम उन पे खड़ा उतरेंगे, इंशाल्लाह खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे और खड़ा उतरेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आवाज मेरी तेज निकली हाँ? मैं
मजबूत शब्द तो बस सिस्टर।